हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइव मिथ्स रिलेटेड टू द यूपीएससी प्रिपरेशन। मैं हूं आंचल झुनझुनवाला और मैं हूं यूपीएससी की एक्सपर्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कुछ गलत फहमियाँ जो स्टूडेंट्स लेके आते हैं यूपीएससी की तैयारी करते वक्त। सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठा होता है वो ये है कि अगर हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है तो हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ इंडिया के टॉप के कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे स्कूल या कॉलेज के जो टॉपर्स हैं बस वही यूपीएससी के एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है स्टूडेंट्स के दिमाग में। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप पास्ट ट्रेंड्स देखें, ईरा सिंगल, जुनैद अहमद, नंदिनी केआर, ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स में आईएएस ऑफिसर्स बने हैं और इनका एकेडमिक बैकग्राउंड भी कोई बहुत ज़्यादा टॉप के कॉलेज या बहुत ज़्यादा टॉपर से बैकग्राउंड से नहीं आते हैं ये लोग, राइट? तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप समझ लें यूपीएससी की तैयारी करते वक्त कि आपका पास्ट का जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है यूपीएससी की तैयारी करते वक्त। मैटर ये करता है कि आप अभी यूपीएससी की तैयारी करते वक्त कितना हार्ड वर्क डालते हैं, कितना डेडिकेटेडली इसमें प्रिपरेशन करते हैं और सही डायरेक्शन में इसकी प्रिपरेशन करते हैं या नहीं। तो पहला मिथ अपने दिमाग से हटा दीजिए कि अगर मैं एग्जामिनेशन में फ़ेल हो चुका हूँ प्रीवियस स्कूल के एग्जामिनेशन में या कॉलेज के कोई एग्जामिनेशन में, आई हैव फेल्ड माई एग्जामिनेशन और आई हैव ओनली बिन एन एवरेज स्टूडेंट या फिर मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रह चुका हूँ तो मैं यूपीएससी में सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। ये एक गलत फहमी है। आपको एकेडमिकली बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होने की ज़रूरत नहीं है, अप्रोच सही होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, आपका मेंटल एटीट्यूड सही होना चाहिए, तब आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे, राइट? दूसरी गलत फहमी जो स्टूडेंट्स को हो जाती है यूपीएससी की तैयारी करते वक्त वो ये है कि वो समझते हैं कि कोचिंग की हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूपीएससी की तैयारी करते वक्त या फिर दिल्ली जाके प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स घर बैठे अपनी रिसर्च से, अपनी मेहनत से एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं बहुत अच्छे मार्क्स से। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल पॉसिबल है। ओनली थिंग आपको ये करना है कि आपको बहुत स्मार्ट तरीके से इंटरनेट पर जाना है, जितना मटेरियल वाइडली फ्रीली अवेलेबल है उसको सेग्रीगेट करना है, प्रॉपरली सिलेक्ट करना है और यूज़ करना है। आप घर बैठे इसलिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स आजकल अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ यूट्यूब के ज़रिए शेयर कर रहे हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी घर बैठे बैठे। तो इससे क्या होगा कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक तो कोचिंग के लिए ट्रैवल करने में, दूसरी आप अपनी जो एनर्जीज़ है, जो अपना टाइम है, उन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप कोचिंग में जाएंगे 100, 200, 250 बच्चों के साथ बैठेंगे तो आप बहुत बेसिक से अपनी तैयारी शुरू करेंगे और फिर एक्सपर्ट नॉलेज की ओर जाएंगे, राइट? तो अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं विदाउट एनी कोचिंग, आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा क्या वीक पॉइंट है, मुझे किस पे ज़्यादा फोकस करना है और क्या चीज़ें ऐसी है जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है और उसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो ये एडवांटेज है अगर आप घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं खुद से। तीसरी चीज़ जो हमें आज डिस्कस करनी है यूपीएससी की प्रिपरेशन के वक्त वो ये है कि स्टूडेंट्स ये मान के चलते हैं कि उन्हें द हिंदू सबसे अच्छा न्यूज़पेपर है, बस वही एक न्यूज़पेपर है जो उन्हें पढ़ना है यूपीएससी की तैयारी के लिए। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि यू हिंदू जो न्यूज़पेपर है अच्छा है, आपको पढ़ना है लेकिन सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना है उसका। उसके अलावा आपको एक और न्यूज़पेपर पढ़ना है और वो है द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस आपका मेन न्यूज़पेपर होना चाहिए और द हिंदू आपका एक सप्लीमेंट्री न्यूज़पेपर होना चाहिए। मैं इंडियन एक्सप्रेस क्यों रेकमेंड कर रही हूँ, इसके तीन रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है, एडिटोरियल और ओपेड पेज जो इंडियन एक्सप्रेस में आता है उसमें बहुत ही बैलेंस्ड ओपिनियन आपको पढ़ने को मिलेगा। जो ओपिनियंस वहाँ के एडिटोरियल्स में दिए गए हैं
उसमें पॉजिटिव ओपिनियन भी दिया गया है, साथ ही साथ क्रिटिकल ओपिनियन भी दिया गया है। तो आप एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच से आप उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि उसमें द इकोनॉमिस्ट जो इंटरनेशनल मैगज़ीन है उसके दो आर्टिकल्स छपे जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपको वर्ल्ड पॉलिटिक इकोनॉमिक के जो आर्टिकल्स हैं उसमें आपका होल्ड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अगर आप वो आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो एक इंटरनेशनल लेवल की मैगज़ीन है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। इसका आपको ऑब्वियसली फ़ायदा इंटरनेशनल रिलेशंस में होगा, इकोनॉमिक्स में होगा एंड जनरल स्टडीज़ के बाकी कॉन्सेप्ट्स पे भी होगा जो उस आर्टिकल से रिलेटेड हैं। इसलिए ये दूसरा रीज़न है कि मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस रेकमेंड कर रही हूँ। तीसरा रीज़न इंडियन एक्सप्रेस रेकमेंड करने का ये है कि उसमें एक पेज आता है रूरल करके जो एवरी थर्सडे आता है। उस पेज में आपको इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी है, रूरल इश्यूज़ है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, राइट? तो इससे आपका रूरल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। साथ ही साथ एक एडेड एडवांटेज, ठीक है, एक न्यूज़पेपर हम क्यों पढ़ते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको एक करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाए। एक एडेड एडवांटेज इंडियन एक्सप्रेस का ये भी है कि उसमें एक एक्सप्लेन्ड करके पेज आता है जहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए जाते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स न्यूज़ आई है करंट अफेयर्स में उसको सिंपल टर्म्स में इस एक्सप्लेन्ड पेज में एक्सप्लेन किया जाता है। इसीलिए मेरा ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप इंडियन एक्सप्रेस को अपना मेन न्यूज़पेपर बना लें और द हिंदू को एक सप्लीमेंट्री न्यूज़पेपर के तरीके से यूज़ करें। फोर्थ मिथ जो आज हमको डिस्कस करना है वो ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स कैसे चूज़ करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि टॉपर्स ने जो सब्जेक्ट लिया होगा या टॉपर्स जो सब्जेक्ट रेकमेंड कर रहे होंगे उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं और उसे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बना लेते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो टॉपर के लिए वर्क किया वो उसका स्ट्रेंथ पॉइंट है, वो आपका स्ट्रेंथ पॉइंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ ऑप्शनल डिसाइड करते वक्त ये आपको कंसिडर करना है कि मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप अपना 30-40% एनर्जी, टाइम एंड एफर्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो आप डालते हैं उसका 30-40% आप ऑप्शनल की तैयारी में डालने वाले हैं, राइट? तो अगर वो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप बोर हो जाओगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगी, राइट? इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना ऑप्शनल आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे डिसाइड करो, ना कि किसी टॉपर ने कौन सा सब्जेक्ट लिया था उस बेसिस पे, ठीक है? तो ऑप्शनल के लिए पहली चीज़ अपना इंटरेस्ट देख लो। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसा ऑप्शनल चूज़ करो जिसमें आपको मटेरियल, गाइड, हेल्प और कोचिंग बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है? कोचिंग मे और मे नॉट आप शायद ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन डिसाइड करते वक्त एटलीस्ट ये ध्यान में रखिए कि आपके लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है या नहीं, ठीक है? तो अपने दिमाग से ये हटा दीजिए कि ट्रेंड वाइज ये सब्जेक्ट बहुत पॉपुलर है, टॉपर्स यही सब्जेक्ट लेते हैं तो इसलिए मुझे भी ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। नहीं, आपके दिमाग से ये चीज़ हटा दीजिए, ये गलत वे ऑफ थिंकिंग है। अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, ओके? फिफ्थ मिथ जो स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठा हुआ है वो ये है कि इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा यूपीएससी की तैयारी करते हैं और जब सिलेक्शन की लिस्ट आती है उसमें भी इंजीनियर्स बहुत ह्यूज नंबर में होते हैं। तो इंजीनियर्स को एक अपर एज है इस एग्जामिनेशन में, ये गलतफहमी स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठी हुई है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स को सीसैट के अलावा और कहीं भी बहुत ज़्यादा डायरेक्टली फ़ायदा नहीं होता है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। सीसैट में डेफिनेटली होता है, लेकिन आपको ये समझना है कि सीसैट एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है,
उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इंजीनियर्स को डायरेक्टली फ़ायदा होता है, जी हाँ, सीसैट में होता है। इसके अलावा एक और एडिशनल फ़ायदा इंजीनियर्स को बस यहाँ होता है कि बिकॉज दे आर इंजीनियर्स, बिकॉज वो एक साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, उनका जो माइंडसेट है थोड़ा सा एनालिटिकल वे में सोचता है, थोड़ा सा एनालिटिकल लिंकेज वो ज़्यादा कर पाता है। तो इस तरीके से उनका जो अप्रोच होता है एग्जामिनेशन के लिए, उसमें इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग थोड़ा सा उनको हेल्प करता है। लेकिन उसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स जो भी है यूपीएससी के, वो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड है, इसलिए डायरेक्टली कोई भी लिंक नहीं है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का। उन्हें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी आपको करनी पड़ेगी इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। सो ये गलतफहमी आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि इंजीनियर्स है, बहुत सारे इंजीनियर्स है, उनको एक अपर एज मिलता है इस एग्जामिनेशंस में। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये थे 5 मिथ्स जो आज हमने क्लियर किया अपने माइंड में से यूपीएससी की तैयारी करते वक्त। आपको बहुत ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ें, एंड आई एम श्योर जब आप ये गलत फहमियाँ अपने दिमाग से निकाल दोगे तो आप और ज़्यादा अच्छे से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और जिनके दिमाग में ये गलत फहमी बैठी हुई है, ठीक है। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीक एक और अच्छे वीडियो के साथ जो आपको आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में और हेल्प करेगा। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।